गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच मैथ। मैथ में मैं आज आप लोगों को जीरो कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। जीरो मीन्स कुछ भी नहीं, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं, और जीरो का बहुत वैल्यू भी होता है, और वो कैसे होता है उसको मैं भी आप लोग को बताऊंगी। पहले आप लोग ये देखिए अपनी बुक में, देखिए यहाँ पे एक फिश पॉट है, इसमें एक फिश है, दिख रही है आप लोग को एक फिश, देखिए इसमें क्या लिखा है, देयर इज वन हैप्पी फिश इन द फिश पॉट, मछली फिश पॉट में खुश है। तो यहाँ पे एक मछली है वो अपने फिश पॉट में खुश है। अब इधर देखिए, देयर इज नो फिश आर जीरो फिश इन द फिश पॉट, इस फिश पॉट में मछली नहीं है, नहीं है मतलब कि जीरो, कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया जीरो। जब कुछ भी नहीं रहता है तो उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। देखिए इधर वाले फिश पॉट में फिश है, तो वहां पे हम लोग इसको वन फिश है, यहाँ पे एक भी फिश नहीं है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब नीचे देखिए, ये देयर इज वन हैप्पी डॉग इन द कैनल, ये है कुत्ते का घर, इसमें एक डॉगी है, तो यहाँ पे अपने कुत्ते कैनल को कुत्ते का घर बोलते हैं। इस कुत्ते के इस अपने घर में एक कुत्ता है। और इधर देखिए, देयर इज नो डॉग और डॉग इन द कैनल, ये जो कुत्ते का घर है इसमें कोई भी डॉग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या भरना है, जीरो। देखिए बता, यहाँ पे कोई भी डॉग नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ऐसे ये जीरो फिल करना है। ओके, आप देखिए नीचे, यहाँ पे देयर इज वन ब्यूटीफुल फ्लावर इन द पॉट, ये जो फ्लावर पॉट है उसमें फिर कितना सुंदर एक सुंदर फूल है। ओके, इसमें फूल है। और इस साइड में देखिए, देयर इज नो फ्लावर आर फ्लावर इन द पॉट, इस फ्लावर पॉट में कोई भी ऊपर फ्लावर नहीं है, नहीं है मतलब कि जीरो, यहाँ हम लोग को जीरो फिल करना है। ओके, अब इसके नेक्स्ट, देयर इज वन नॉटी मंकी ऑन द ट्री, देखिए इस पेड़ पे एक मंकी है, वो बहुत नॉटी है, मतलब कि एक शरारती बंदर पेड़ पर है, देखा आपने। और इधर देखिए, देयर इज नो मंकी आर मंकी ऑन द ट्री, इस पेड़ पे जो है ट्री पे कोई भी मंकी नहीं है, तो इसका मतलब मंकी नहीं है कोई भी, यहाँ इसका मतलब हुआ जीरो। अब इधर देखिए, जीरो, टू रेड एप्पल्स आर ग्रोइंग ऑन ए ट्री पापा एट वन, इस ट्री पे दो मतलब कि टू एप्पल थे और एक पापा खा गए, तब इस पेड़ पे कितना एप्पल बचा, वन एप्पल बचा, एक पापा खा गए, तो यहाँ एक बचा यानी कि वन एप्पल। फिर यहाँ इस वन रेड एप्पल इज ग्रोइंग ऑन द ट्री मम्मा टुक वन, इस ट्री पे एक एप्पल है जो मम्मा है वो उसको ले रही हैं। और इधर, देयर इज नो एप्पल ग्रोइंग ऑन द ट्री, देयर इज जीरो रेड एप्पल, इस पेड़ ट्री पे कोई भी एप्पल नहीं है, इसका मतलब कि ये हो गया आपको जीरो, इस पे कोई भी नहीं है। देखिए इधर एक टू एप्पल था, एक पापा खा गए, तो यहाँ पे वन बचा, यहाँ वन एप्पल है जो मम्मा ले रही हैं, और इधर एक भी एप्पल नहीं है यानी कि जीरो। और इसे आप लोग अपनी बुक में इसको फिल करेंगे। ओके, अब आइए हम लोग कुछ और भी एक्सरसाइज से जानते हैं। देखिए बेटा, अब ये मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव वन पेंसिल, ये मेरे पास एक पेंसिल है, यदि मैं ये पेंसिल आपको दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इफ आई विल गिव इट टू यू, तो मेरे पास क्या बचेगा, देन आई हैव नो पेंसिल, मतलब कि अब मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं बचेगा, इफ मीन्स आई हैव जीरो पेंसिल, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जीरो पेंसिल, ये पेंसिल मैंने आपको दे दिया तो मेरे पास अब कोई पेंसिल नहीं बचेगा, इसका मतलब कि जीरो हो गया, आई हैव जीरो पेंसिल, मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है। अब आइए मैं आपको कुछ नोट से बताती हूँ। देखिए बेटा, अब मैं बताती हूँ कि जीरो की वैल्यू कैसे बढ़ती है। देखिए बेटा, ये मैं आपको बताती हूँ कि जीरो से कैसे वैल्यू बढ़ती है। देखिए, ये टू का नोट है, देखिए इस पर टू लिखा हुआ है, ना इसके पीछे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ टू है। इसके बाद ये देखिए, ये है टू जीरो ट्वेंटी, अब इसके पीछे जीरो लग गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, ये हो गया ट्वेंटी, टू से ट्वेंटी, अगर ये जीरो इसके आगे रहता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन ये पीछे लगा है, इसकी वैल्यू जब भी नंबर के पीछे जीरो बढ़ते जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आइए दूसरा देखते हैं,
ये देखिए, ये है 200 यानी कि 200, ये हो गया आपका 200, यानी कि पहले एक जीरो था, अब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हो गया 200, मतलब कि सोचिए इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है, 200 हो गया। ओके, अब देखिए लास्ट, ये है आपका 100, मतलब कि 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ाएंगे तो ये 100। तो देखिए इसकी वैल्यू 2 लगाने से ये 100 हो गई, 2 लगाने से इसकी वैल्यू 100 हो गई, मतलब कि 0 जब पीछे लगाएंगे नंबर के किसी भी, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कि 0 का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आइए अब हम लोग अपनी कॉपी में देखते हैं, देखिए ये कॉपी में देखिए, ये आज का डेट हम लोग डालेंगे 4/6/2020, ये आपका क्लास वर्क, यहाँ पे 0, राइट डाउन 0, हम लोग को 0 लिखना है, तो देखिए 0 0 इसी तरह से हम लोग अपनी कॉपी में 0 को लिखेंगे। इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में 0। ओके बेटा, 0 का समझ में आप लोग को आ गया? थैंक यू।